हेलो दोस्तों, कैसे जैसे बड़े होंगे तुम्हारे चुका वीडियो लेके गए। आज जरूर मैं मिलिट्री बेस में, और पीछे तुम देख सकते हो सिर्फ एक पैराशूट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बंदे आएंगे, बस देखते जाना। और भाई उतरते के साथ ही मेरे को मिलती है लेवल 2 की वेस्ट, थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट मिल जाती है मेरे को ठीक ठाक, लेकिन गन के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो भाई नीचे चलते हैं, और नीचे से मेरे को ठीक ठाक गन मिल जाती है, लेकिन ये इतनी भी ठीक ठाक नहीं थी कि भाई आगे जाके प्रक्रिया शुरू करी जाए, क्योंकि M16 और S12 के यार। तो यहाँ पे बंदा बोट का किल चुराने के लालच में आता है, लेकिन भाई इसको खत्म कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस थोड़ी सी लूट करते हैं, और फिर सामने की तरफ फायरिंग हो रही है काफी देर से, वहाँ पे जाके चेक करेंगे। तो गाइस आपको 1x बेट के बारे में तो पता ही होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डोटा चैंपियनशिप, फीफा, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स। यहाँ पे गाइस आप टाइम स्पेंड करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और अगर गाइस आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 7000 तक का बोनस मिल सकता है अपने पहले डिपॉजिट पे। और यहाँ पे गाइस बहुत सारे नए फीचर भी आए हैं, जैसे कि साइबर क्रिकेट, टेबल टेनिस, और हाँ बिग फुटबॉल भी वापस आ चुका है, जिसमें कि जल्दी मोस्ट फेमस टीम्स खेलेंगी। सारे मैच के रिजल्ट और फोरकास्ट आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। तो गाइस ट्राई कीजिए 1x बेट को, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे गाइस मेरे को M762 मिल चुकी थी, और भाई मैं रश करने के फुल मूड में था यहाँ पे, और एक भैया जी मेरे को यहाँ पे स्पॉट हो जाते हैं, जो कि जंप मार रहे थे, लेकिन भाई हवा में पेटी बनाते हैं इनकी। तो यहाँ पे गाइस मेरे को इस वाली बिल्डिंग में से काफी देर से फुटस्टेप्स आ रहे थे जब मैं लूट कर रहा था पहली वाली बिल्डिंग में। तो यहाँ पे गाइस मैं आकर रश मार देता हूँ, लेकिन अब पता चलता है कि भैया जी ऊपर जा चुके हैं, तो यार हमें भी जाना पड़ेगा उसका पीछा करने। अब यहाँ पे भैया जी कवर में जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं उससे पहले खत्म कर देता हूँ मैं, और एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं तीसरी वाली बिल्डिंग में से, जो कि ये वाली है, और इसको भी देखना पड़ेगा मेरे को। अब यहाँ पे भैया जी बिल से बाहर निकलते हैं थोड़ा मौसम का हालचाल देखने के लिए, लेकिन भाई नोक कर देता हूँ इसे भी मैं। और अभी एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं बिल्कुल मेरी वाली बिल्डिंग के नीचे से, तो भाई इसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं इसको फिनिश करता हूँ और थोड़ी सी लूट करेंगे, क्योंकि वो बंदा काफी देर से कैंप मार रहा है, और भाई टीपीपी के सामने मैं नहीं जाना पसंद करता, तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। तो भी यार उस बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे मेरे को कि भैया बाहर आ चुके अपने बिल से, लेकिन अब फुटस्टेप्स आ रहे कि भैया ऊपर चढ़ चुके छत के। तो यहाँ पे गाइस मैं देख रहा था कि भैया एंगल वेंगल दे बंदा, तो भाई निपटाएंगे इधर से ही, लेकिन मेरे को बंदे के इरादे लग नहीं रहे थे कि भाई वो झांकने वाला है। तो यहाँ पे गाइस मैं हल्की सी लूट अपनी एडजस्ट करता हूँ, फिर जाकर रश मार देंगे। और यहाँ पे ये सर्टिफाइड नागिन की ड्रेस में बंदा कूदा, और भाई इसको तो हम कैसे ही छोड़ देते यार, तो इसको मैं खा जाता हूँ गाइस यहाँ पे, और थोड़ी सी लूट करते और फिर निकलते इधर से, क्योंकि गाइस जोन काफी दूर है, और भाई फ्लेयर भी अपने पास, तो भाई जोन में चलते और फिर फ्लेयर चलाएंगे। तो यहाँ पे गाइस मेरे को सामने एक गाड़ी दिखती है, तो भाई इसको उठाएंगे और फिर निकल लेंगे जोन में। लेकिन एकदम से साइड से फुटस्टेप्स आते हैं, और भाई और यहाँ पे गाइस जैसे ही भाई बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आए ना, सबसे पहले मैं लेटा, क्योंकि मैं यही सोच के चल रहा था कि भाई अगर साइड वाइड से कोई निपटाने लगे मिलिट्री बेस से, क्योंकि मिलिट्री बेस भाई कैंपर्स का भी घर है एक तरह से, क्योंकि लास्ट के जो बंदे बचते हैं ना भाई इतना गंदा कैंप मारते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन गाइस उस बंदे को मैं निपटा देता हूँ, अब उसके और बंदे को मैं देखता हूँ उधर थोड़ी देर, लेकिन फिर दिखता नहीं है कोई, तो भाई निकल लेते हैं। और आते कैसे हम पोचिंग की में, जो कि आप सबकी फेवरेट जगह है, मेरी भी फेवरेट जगह है, और भाई कैंपर्स की तो है ही खैर, और कैंपर्स का नाम लिया और भाई कैंपर्स हाजिर, एकदम से फुटस्टेप्स आ गए। लेकिन हमारे भैया जी कैंपर नहीं थे, ये राइडर थे भाई, इनको इज्जत दी जाएगी पूरी। और अब एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे, जो कि इसका टीममेट है शायद से, और भाई देखना बस ये बंदा कितना भगा था भाई मेरे को, मतलब यहाँ पे भैया जी ऊपर चले गए ठीक है, तो मैं भी ऊपर जाने लगा कि भाई चलो मेरे को बुला रहे मैं जाता हूँ, लेकिन फिर भैया जी नीचे कूद जाते हैं, मतलब करना क्या जा रहे थे भाई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गाइस मैं प्री फायर देता हूँ भाई, इस वाली प्री फायर के लिए एक लाइक तो बनता है यार, और भैया जी सीधा प्री फायर की चपेट में आते और भाई खत्म हो जाते हैं, और पहले मैंने हल्का सा डैमेज उसे दिया था, तो भाई थोड़ा सा लो भी था वो। अब यहाँ से गाइस मैं निकलने की सोच रहा था, लेकिन भाई सामने से एक डासा की साउंड आती है मेरे को। यहाँ पे गाइस मैं पूरे चोट में फायरिंग कर रहा था उन बंदों पे, लेकिन भाई जब मैं देखता हूँ ना कि भाई पूरा खानदान भरा पड़ा है गाड़ी में, भाई मैं जल्दी से कवर में आता हूँ, और वैसे भाई बंदे ने हेडशॉट ही मारा था, तो यहाँ पे मेरी काफी हेल्थ खा गया था वो। तो यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले हीलिंग करता हूँ भाई, अब एक बढ़िया सा एंगल लेंगे, और भाई एक दो बंदों को दूर से निपटाएंगे और फिर जाके रश मार देंगे। और यहाँ पे गाइस मैं फुल बूस्ट भी मार लेता हूँ, क्योंकि गाइस अगेन स्पीड भी बढ़ेगी हल्की सी और हेल्थ रिकवरी भी होगी अगर भाई कहीं वहीं से पड़ने लगी मेरे को।
तो यहाँ पे गाइस मैं अपनी फ्लेयर भी चला देता हूँ, क्योंकि भाई अगर हम यहाँ पे बच गए किसी तरह तो अपनी फ्लेयर लूटेंगे इतने मतलब आ जाएगी, इतने फाइट होगी, और अगर नहीं बच पाए तो इन बंदों की थोड़ी सी मेहनत कम करवा देंगे, मतलब यार लूट वूट के अपना मजे करेंगे बंदे। अब यहाँ पे मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है खिड़की में, लेकिन भाई जैसी जैसी फायरिंग करता हूँ एकदम पीछे, जैसे भैया जी को मन में आवाज आ गई कि भाई हट जा वहां से। अब यहाँ पे एक और बंदा मेरे को दिखता है जो कि बालकनी में आया था, मैं उसको हिट देता हूँ, जो कि हेडशॉट पड़ता है, तो काफी लो हो गया होगा बंदा, लेकिन इतना भी लो नहीं होगा। तो यहाँ पे गाइस मैं हल्का सा फ्लैंक मारता हूँ, लेकिन भाई घर सामने ही थे, शायद देख लो किसी ने मेरे को, लेकिन गाइस वहां से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए मेरे को फ्लैंक तो करना ही पड़ता खैर, और इन वाले घरों से एक दो बंदों को नोक करके और जब रश मार दूंगा। और यहाँ पे एक भैया जी मेरे को गैराज की छत के ऊपर दिखते हैं, तो मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ से निपटाता हूँ उस बंदे को, लेकिन भैया एकदम गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद नीचे कूद गए, फिर घर में घुस गए जहाँ से आया था वहाँ से। तो यहाँ पे मैं इस रूफ पे चढ़ता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से क्या ही एंगल मिलता है, लेकिन शायद मेरे को अब तो देख ही लिया होगा भाई। लेकिन यहाँ पे कोई नेड फोड़ता है जहाँ पे मैं पहले था उधर की तरफ, तो यहाँ पे गाइस अब तो मेरे को लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि नहीं देखा शायद बंदों ने मेरे को, शायद ट्रिपल स्टोरी पे पूरा ध्यान उन बंदों का, लेकिन इस वाले घर से भी भाई कुछ खास एंगल नहीं मिल रहा था, तो गाइस हम इस वाले घर पे चलते हैं। और भाई अब तो खैर देख ही लिया हो भाई, अब तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है भाई, नहीं देखा उन बंदों ने, लेकिन फिर से भैया नेड कहीं और फेंकते हैं, लेकिन शायद ये बंदा मेरे को ही देख रहा था, ऐसे लगा मेरे को इसे पीक के स्टाइल से, तो इसको मैं नोक करता हूँ गाइस यहाँ पे। और गाइस यही मेरे पास मौका था कि भाई वो बंदे हल्के से बिजी हो जाएंगे और जाके रश मार दूंगा मैं जल्दी से। अब यहाँ पे गाइस एक बंदा फिर से ट्रिपल स्टोरी के पास नेट फोड़ता है, मतलब भाई भूत भूत दिख रहे थे क्या उसे वहां पे। यहाँ पे इस नोक वाले बंदे को मैं और ज्यादा लो कर देता हूँ, जिससे कि भैया रिवाइव होने का तो कोई चांस ही ना हो। और इस गड्ढे में भी भाई एक बंदा कैम मार रहा है, तो भाई इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को, जो कि बार बार झाक रहा था उस गेम की तरह जिसमें हम हथौड़ा मारते और भाई छेद में से वो झाकते रहते बंदे कह रहा हूँ, मतलब वो जो भी जानवर होता है गिलहरी होते हैं शायद से। अब मेरे को नहीं पता भाई ये बंदे फायरिंग कर किस पे रहे हैं, लेकिन भाई किसी पे तो कर रहे हैं, खैर मेरे पे नहीं कर रहे। तो यहाँ पे गाइस इस बंदे को मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ और भाई फिर से किसी पर फायरिंग कर रहे हैं, और सबसे पहले गाइस मैं इस गड्ढे वाले को देखता हूँ, नहीं तो ये भाई पीछे से बहुत बुरा सैंडविच करता मेरे को। अब यहाँ पे गाइस मेरे को एक बढ़िया सा एंगल मिल जाता है और भाई निपटाता उस बंदे को। ये जो एंगल था ना भाई ब्रोकन वॉल की सारी शक्तियां खत्म हो गई वहां पे, मतलब कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि ऊपर से टपली दिख रही थी बंदे की, और ये बंदा शायद स्मोक फेंकता अपने बंदों पर। भाई मेरे को ये दिख रहा था कि भाई खिड़की में था थोड़ी देर पहले, तो मैं एक नेड़ फेंकता हूँ, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार, मतलब तो यहाँ पे भैया जी बालकनी में आ चुके थे, और भाई मैं एम लेकर चली रहा था उस बंदे की तरफ, और भाई जैसे ही अपनी टपली सी दिखाते ना प्यारी सी, एकदम फोड़ देता हूँ मैं। अब यहाँ पे गाइस भर के लूट मिलने वाली है, तो भाई लूटते हैं दबा के और फिर निकलते इधर से। अब यहाँ पे गाइस वेयर हाउस के पीछे एक गाड़ी खड़ी थी, तो भाई बंदे होने के चांसेस थे, तो भाई चेक करता हूँ मैं एक बार आके। और यहाँ पे गाइस मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आ भी जाते हैं इस वाले घर में से, तो भाई चेक करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं पहले रश मारने की सोच रहा था, लेकिन भाई फिर मेरे को याद आता कि भाई कैंपर्स के आगे नहीं जाना यार ऐसे, मतलब टीपीपी अगर कोई बंदा ले रहा हो तो भाई नेड़ वेड़ फेंक दो, लेकिन क्राउच कर रखा था भाई, मतलब क्राउच करके उस ऊपर एम गया ही नहीं, वहां पे खिड़की से नीचे रह गया नेड़। यहाँ पे मैं रश करके इस बंदे को खत्म कर देता हूँ, अकेला बंदा था यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी का तेल थोड़ा सा कम हो गया था, तो भाई मैं यहाँ पे फ्यूल भर रहा था अपना मजे में। और जैसे भाई फ्यूल भरता है मैं जाने लगता हूँ कि भाई ढूंढते हैं बंदों को जाके, लेकिन भाई पीछे से AWM चलने की आवाज आती है मेरे को, तो भाई मैं जल्दी से स्कोड हाउस में जाता हूँ दोबारा। और यहाँ पे और भी बंदे हैं जो भाई इस वाली पहाड़ी पे हैं, तो भाई इनको भी देखना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे गाइस मैं वापस आता हूँ इस वाले स्कोड हाउस में, और यहाँ से निपटाने की कोशिश करेंगे उन बंदों को, मतलब अगर बंदे निपटेंगे भी नहीं तो भाई वेस्ट हेलमेट तो उनकी मैं खराब कर ही दूंगा कम से कम, जिससे कि बाद में आसानी हो थोड़ी। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं इन बंदों पर रश मार दूं राइट से या लेफ्ट से कहीं से, क्योंकि सामने से जाने का कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि बंदे भाई निपटा देते मेरे को, या फिर गाइस मैं यहाँ पे वेट करूं और रश ना करूं, ये बंदे मेरे पे रश कर दें, मतलब कुछ और चमत्कार हो जाए, तो मैं थोड़ा रुकता हूं यहाँ पे, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरे को फीलिंग आ रही थी कि भाई अगर मैं इन बंदों पे रश मारूंगा ना तो कुछ गलत होने वाला है। हाँ गाइस एक और बात की, मैं नोनो लाइव पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ शाम को 8 बजे से, तो वहां पे गाइस आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे काफी मजे करते हैं हम, बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे गाइस रश करता नहीं हूँ और इस बंदे को हल्के से हिट देता हूँ मैं।
यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे पे भी बोल्ट एक्शन थी, भैया जी चलाते हैं लेकिन भाई बच जाता हूँ मैं क्योंकि पीछे आ चुका था मैं मार के। अब यहाँ पे गाइस मैं काफी देर रुकता हूँ भाई, वेट करते करते मैं इस वाले घर में आ चुका था कि भाई क्या पता यहाँ से कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन भैया जी गाड़ी लेकर निकलने लगे थे, मेरे को साउंड आ चुकी थी। तो यहाँ पे गाइस जोन भी आ चुकी थी और भाई जोन के बाहर मैं ही क्या करता अकेला, तो भाई निकल लेते हम भी। और यहाँ पे गाइस जो मैंने डिसीजन लिया ना कि भाई मेरे को रुकना है, रश नहीं करना, इसका देखो गाइस कितना फायदा होने वाला है मेरे को, क्योंकि वहां पे गाइस कोई कवर वगैरह भी नहीं था, पत्थर का पेड़ का मतलब कुछ भी नहीं था यार। और गाइस ओपन में 1v4 ना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब एक कवर तो होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे गाइस मैं जोन में जा रहा था और भाई ये धूम की शूटिंग चल रही थी इधर, मेरे को धूम मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भाई इसकी शूटिंग मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा यहाँ पे, खास करके रोजोक जैसे इलाके में, इतना बढ़िया इलाका है यार, तो भाई निपटाते इस बंदे को भी। मैंने फायरिंग रोक दी थी कि भाई मर जाएगा, लेकिन मरा ही नहीं भाई बंदा। तो नेक्स्ट वाली धूम में शायद टाइगर भाई आने वाले हैं भाई, शायद ऐसे ही लग रहा भाई मेरे को तो। और यहाँ पे गाइस ये गाड़ी भी आ जाती है लेकिन भाई भग जाती है, इधर रश नहीं करती मेरे ऊपर, और शायद ये वही बंदे जो भैया पहाड़ी पे थे। यहाँ पे गाइस मैं हल्के से शूट करता हूँ इन बंदों पे कि क्या पता यार लग जाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मैं उन बंदों को चेक करने जाऊंगा थोड़ी देर बाद उधर की तरफ, लेकिन मेरे को मिलते नहीं है वो। तो हम यार वापस आते हैं जोन में रोजोक में, और भाई फिर साइड से फायरिंग चलने लगी थी, कोई डीपी से अत्याचार कर रहा था किसी के ऊपर बहुत बुरे वाला, तो भाई जाके रक्षा करते हैं यार उसकी। तो यहाँ पे गाइस मैं एक बंदे को नोक कर देता हूँ, और एक भेजी यहां से मेरे को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे ऊपर अत्याचार की पूरी कोशिश थी। और इस वाले बंदे को भी मैं डैमेज देता हूँ, और भाई यहाँ पे पूरा ही खत्म कर देते हैं दोनों को। और अब यार लास्ट बंदा बच चुका है, और भाई जब मैं ये गेम खेल रहा था ना, जब मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था लाइफ पे, तो मैं यहाँ पे सोचा था कि भाई ये वाला बंदा मतलब जोन में आएगा, निपटाएंगे इसे और फिर और बंदों को देखेंगे। तो यहाँ पे गाइस मेरे को लगा भाई जोन तो बनी चुके और काफी गंदी हेल्थ खा रही होगी जोन, तो मेरे को लगा ट्रैक्टर के पीछे लेट गया होगा बंदा आके, तो मैं नेड फेंकता हूँ लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर मेरे को बंदे की हल्की सी झलक दिखती है घर में, और शायद भैया पहले हीलिंग लगा रहे थे, लेकिन जब मैं शूट करता हूँ तो भागने लगता है बंदा, लेकिन भाई जोन के बाहर ही खत्म कर देते हैं इस बंदे को। तो यहाँ पे गाइस देख रहे हो, अगर मैं वहाँ पे शायद रश कर देता उस पहाड़ी पे तो शायद ही बचता मैं, क्योंकि गाइस सोलो वर्सेस स्क्वाड में ओपन में रश भाई बिल्कुल नहीं करना यार, मतलब एक कम से कम एक पत्थर तो यार तुम्हारे कवर के लिए, क्योंकि चार बंदे सामने से गोली मार रहे, तुम अकेले इधर से मारोगे भाई, एक को नॉक कर दोगे, दो को कर दोगे, लेकिन सब पे पबजी खेलना आ गया आजकल, मजे भी निपटाएंगे यार बंदे तुम्हें। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो जो नए बंदे हो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और हां गाइस वन एक्सपर्ट को चेक आउट कर लेना, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और हाँ गाइस एक और बात की, मैं नोनो लाइव पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ शाम को 8 बजे से, तो वहाँ पे गाइस आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे काफी मजे करते हैं हम, बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।